दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ कि जो ओरिजिनल GB इंस्टाग्राम है उसको अगर आप भी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक से दो स्टेप बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके इजीली आप GB इंस्टाग्राम को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चल फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर ना और विजिट करें तो प्लीज़ रेड बटन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को होम स्क्रीन पे आ जाने। अपने फ़ोन को होम स्क्रीन पे आने के बाद सिंपली आपको गूगल या फिर गूगल क्रोम दोनों में से किसी एक का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज करना होता है। सिंपली आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सिंपली आपको सर्च बार पर टाइप करना और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है GB इंस्टाग्राम APK। जैसे ही आप GB इंस्टाग्राम APK लिखकर सर्च करेंगे उसके बाद से आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा। सिंपली आपको इसी वेबसाइट से GB इंस्टाग्राम को डाउनलोड करना है। सिंपली आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही यहाँ पे टैप करेंगे एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ से आप से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि डाउनलोड लेटेस्ट GB इंस्टाग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे में आएंगे तो इसके बारे में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, क्या क्या है फीचर्स और ये क्या क्या है, कितने MB का है, कौन सा वर्जन है, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको इसको डाउनलोड करने के लिए जो डाउनलोड लेटेस्ट GB इंस्टाग्राम लिखा हुआ है इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे जैसे ही आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे गोल टाइमर चलेगा, सिंपली आपको वेट करना है। उसके बाद से यहाँ पर आने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक ओपन एंड मेगा ऐप, एक डाउनलोड का। तो सिंपली आपको इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कुछ समय यहाँ पे वेट करना होगा। कुछ समय वेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके परसेंटेज चलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक 4% 6% ऐसे चल रहा है। तो सिंपली आपको 100% होने तक यहाँ पर वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे 100% हो जाएगा, 100% होने के बाद कुछ ऐसे आपको इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर में ये MB आपको दिखाई देगा और सिंपली यहाँ पे ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको डाउनलोड की जगह सेफ फाइल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली अब आपको सेव फाइल का जो ऑप्शन है इस पर आपको टाइप करना है। यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद यहाँ पे आप से भी देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शन मिले, कैंसिल एंड डाउनलोड एनीवे का। तो सिंपली आपको डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करना है। डाउनलोड एनीवे पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। 3 डॉट पर क्लिक करना और डाउनलोड पर क्लिक करके देख लेना कि यहाँ पर आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ है कि नहीं। जैसे कि देख सकते हैं GB इंस्टाग्राम यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब आपको इसको क्या करना है कि अपने इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फोन में। तो सिंपली इस पर टाइप करना है। इस पर जैसे ही टाइप करेंगे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, कैंसिल एंड इंस्टॉल का। तो सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंस्टॉलिंग है। कुछ समय बाद आपका जो GB इंस्टाग्राम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में GB इंस्टाग्राम को डाउनलोड करना है। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नंबर विजिट करें तो प्लीज़ रेड बटन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।